टू सर्कल सेंटर ओ एंड ओ डैश इंटरसेक्ट एट पॉइंट्स ए एंड बी। तो ये हमने दो सर्कल्स बना लिए, हमें नहीं पता कि रेडियस क्या है इनके, तो बराबर नहीं लेने, एक बड़ा और एक छोटा ले लेना। सेंटर्स इनके ओ और ओ डैश गिवन है, एंड देन वी आर गिवन कि प्रूव दैट एंगल ओ ए ओ डैश इज इक्वल टू ओ बी ओ डैश। ये ए बी है, ओ ए ओ डैश। आपको मैंने कल कहा था कलर्ड चॉक्स रखना, नहीं अब नहीं जाऊंगी, अब ऐसे ही समझो। ये दोनों एंगल्स हमें इक्वल शो करने, दिस एंगल एंड दिस एंगल वी आर टू शो इक्वल गिवन। प्रूव करेंगे गिवन क्या आएगा, टू सर्कल्स विद सेंटर्स ओ एंड ओ डैश, टू प्रूव ओ ए ओ डैश इज इक्वल टू एंगल ओ ए ओ डैश इज इक्वल टू एंगल ओ बी ओ डैश। आगे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे कैसे, एस 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 से ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश ए, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ डैश बी, एंड दिस इज कॉमन। ट्राइंगल ले रहे हैं हम ओ ए ओ डैश, गिवन और टू प्रूव अगर आपने आप लिख लेना, मैं जस्ट हिंट दे रही हूँ आपको। एंड ट्राइंगल ओ बी ओ डैश, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए के कॉरेस्पॉन्डिंग ओ बी, ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ डैश बी, ओ डैश दिस इज कॉमन, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ऊपर भी सेम। सो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ओ ए ओ डैश इज इक्वल टू ट्राइंगल ओ बी ओ डैश, तो एंगल ओ ए ओ डैश इज इक्वल टू एंगल ओ बी ओ डैश। अच्छा जी, वो लिख लेना आप बाय सी पी सी पी। ठीक है, वहां लगता है ना खत्म हो गया काम अब हमारा। चलो ये डन, अब गिवन है फिगर हमें एंगल ए ओ बी 90 डिग्री गिवन है, ये कर दूं इरेज। डस्टर चेंज करवाओ भी अपना, टूटा हुआ है बेटा, मैंने कहा चेंज करवाना है बस। अच्छा, हमें गिवन फिगर में एंगल ए ओ बी गिवन है 90 डिग्री, तो ओ जो है दैट इज द सेंटर, ये मुझे गिवन है 90 डिग्री, दिस इज बी दिस इज ओ एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री, और एंगल ए ओ सी गिवन है 100 डिग्री, दिस इज 100 दिस इज 90 दिस इज सी। व्हाट वी आर टू फाइंड, एंगल बी ए सी, दिस एंगल वी आर टू फाइंड। हाँ जी, हाँ, ये आपका इन दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा, 190। अब इसका रिफ्लेक्स देखोगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 360 माइनस 190 दैट इज 170। अब बी सी कॉर्ड से एंगल एट द सेंटर आपका बन रहा है 170, तो एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल उसका हाफ कर दोगे तो दैट विल बी 85। लिख लो इसको अपनी लैंग्वेज में। हाँ जी, सेंटर पे एंगल, हाँ जी हाँ जी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 360 डिग्री, सेंटर पे एंगल 360 हो गया, ए ओ बी आपको 90 गिवन है, बी ओ सी हम निकाल रहे हैं, ए ओ सी 100 गिवन है, तो दिस इज बी ओ सी आ गया आपके पास 360 माइनस 190 दैट इज 170।
अब डिग्री में ऐसे थ्योरम लगा दोगे, एंगल एट द सेंटर आपका 170 है, सो एंगल एट रिमेनिंग पार्ट बाय द सेम कॉर्ड विल बी हाफ ऑफ 170, दैट इज 85। यहां से दिख रहा है बोर्ड आपको, नहीं तो पिछले वाले बेंच पे शिफ्ट हो जाओ। सो एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल इज 85। डन, चलें अगले पे। नेक्स्ट में फिर से हमें फिगर गिवन है, ट्रायंगल है, बन रही है एक एबीसी, एंगल एट ए हमें 40 डिग्री गिवन है, दिस एंगल इज 40 डिग्री एंड दिस वी नीड टू फाइंड। क्या हो गया? हाँ जी, वो गिवन नहीं है बट आइसोसेलेस होगी, क्यों? क्योंकि ओ बी एंड ओ सी आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। हाँ, ये एंगल 40, तो ये सेंटर पे एंगल उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा 80। ये एंगल एक्स है तो दिस विल आल्सो बी एक्स, क्योंकि ओ बी इक्वल टू ओ सी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में साइड्स इक्वल तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल उनके, तो 80 ये है, बाकी कितना हो गया आपका 100, तो 100 का हाफ 50। जरूरत है लिखवाने की कि कर लोगे? Prove that circle drawn with any circle drawn with any equal side of an isosceles triangle as diameter bisects the base. Circle drawn with any equal side of the isosceles triangle as base bisects the base. ये आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको गिवन है ए बी सी, ये पॉइंट आ गया आपका डी, तो हमें ये शो करना है कि जो सर्कल है विद एनी इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एज डायमीटर बाइसेक्ट्स द बेस। बेस को बाइसेक्ट कर रहा है मींस आई हैव टू शो दैट बी डी इज इक्वल टू डी सी, तो सी पॉइंट यहाँ कहीं आएगा मेरा, बी डी इक्वल टू डी सी, सर्कल बाइसेक्ट कर रहा है। सर्कल कहां पे टच कर रहा है बेस को, पॉइंट डी पे, यानी कि बी डी इक्वल टू डी सी वी हैव टू शो। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है विद इक्वल साइड्स, वन ऑफ द इक्वल साइड एज बेस, तो इट मींस ए बी इक्वल टू ए सी आ गई, वन ऑफ द इक्वल साइड्स एज डायमीटर, तो ए बी को मैंने डायमीटर ले लिया, इसके जो इक्वल साइड है ए सी, तो बेस मतलब जो थर्ड साइड है जो अनइक्वल वाली है उसको बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स बी डी इक्वल टू डी सी वी आर टू शो। हाँ जी, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90, ठीक है, ये भी 90 हो जाएगा। ओके, कैसे?
तो कौन सा रूल लगा? RHS लगा, राइट एंगल है, हाइपो है एंड वन साइड है, ठीक है। SAS इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि इंक्लूडेड एंगल नहीं है। SAS हमेशा वहां लगता, जैसे ये दो साइड्स हैं तो इनके बीच वाला एंगल, इंक्लूडेड एंगल, गॉट इट। नीचे वाली तो मुझे प्रूव करनी है, दिस आई हैव टू प्रूव। RHS ही लगेगा, दिस इज द राइट एंगल, एंगल के अपोजिट इज हाइपो एंड वन ऑफ द साइड्स, तो RHS, क्लियर। हमें क्या गिवन है, गिवन में आप लिखेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी विद एबी इक्वल टू एसी, देन एबी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड वी आर टू प्रूव दैट बीडी इज इक्वल टू डी। तो प्रूफ में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले सिंस एबी इज द डायमीटर देयरफॉर एंगल एडीबी इज 90 डिग्री, सेम सिमिलरली एंगल एडीसी इज आल्सो 90 डिग्री बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। अब उसके बाद आप लेंगे ट्राइंगल एडीबी एंड एडीसी, इन दोनों ट्राइंगल्स में, या फिर आप एक और काम कर सकते हो जो आप कह रहे थे उसमें, फिर ये हाइपो नहीं लो, साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, देन यू कैन यूज एएएस, ठीक है। तो हमने जो है लिया कि ए बी इक्वल टू ए सी है, हाइपोज इक्वल है, ए डी कॉमन है एंड एंगल दिस ए डी बी इज इक्वल टू ए डी सी ईच 90 डिग्री, तो बाय RHS congruency rule triangles आर congruent, triangles आर congruent, सो बाय CPCT बी डी इज इक्वल टू डी सी, क्लियर, कर लोगे। Now the next question. ABCD is a cyclic quadrilateral. What do you mean by a cyclic quadrilateral? Opposite angles are supplementary. Yeah, are having a sum of 180 degrees. Or kya condition hoti hai supplementary ki? Cyclic ki. All the vertices जो हैं, they lie on the circumference of the circle, या lie on the circle you can say. अब ये हमें given है cyclic quadrilateral ABCD. ABCD is a cyclic quadrilateral in which angle DBC is 80 degree. DBC यानी कि ये angle 80 degree मुझे given है. And angle BAC is 40 degree. BAC is 40 degree. And I need to find out angle BC and D. ये भी बुक का ही है मेरे ख्याल से, करा हुआ है पहले आप लोगों ने, हाँ जी 60, how? 40 मारा angle BAC equal to BDC, हाँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपके एंगल्स इन द सेम सेगमेंट हैं तो दे विल बी इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो ये 40 है तो ये भी 40 आ जाएगा। अब इस वाले ट्राइंगल को लो, इस वाले ट्राइंगल में दिस इज 40, दिस इज 80, तो ये कितना आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, ये आ गया आपका 60 डिग्री, और हमें फाइंड आउट यही एंगल करना था, तो दिस इज 60 डिग्री। बीसीडी वही नहीं, हाफ नहीं हुआ, ये ट्राइंगल ले ली ना हमने, अब जिसमें मुझे एक एंगल ये गिवन है, एक ये गिवन है, थर्ड एंगल ये, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा,
चलो ये भी वैसे बुक का ही है, सैंपल पेपर में भी काफी क्वेश्चंस आपके बुक के ही हैं। एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हूज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। फिगर देख लो आपकी, क्वाड्रिलेटरल गिवन है हमें, कहीं पे भी इसको ले लो, इनके डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ई, तो ये पॉइंट आपका ई आ गया। एंड साथ में कंडीशन हमें क्या गिवन है, इफ एंगल डी बी सी इज 70 डिग्री, ये एंगल मुझे 70 गिवन है, एंड एंगल बी ए सी इज 30, फाइंड एंगल बी सी डी, ये वाला एंगल निकालना है। फर्दर इफ ए बी इक्वल टू बी सी फाइंड एंगल ई सी डी, तो फिर ये वाला एंगल निकाल, इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी। चलो स्टेटमेंट समझ आ गई, बुक वाली है, बुक खोल लो बेशक अपनी। हाँ ये वाला एंगल 30 है विद कॉर्ड बी सी, तो ये वाला भी 30 आ जाएगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। क्वेश्चन है एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हूज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई, इफ एंगल डीबीसी इज 70 डिग्री एंगल बीएसी इज 30 डिग्री फाइंड एंगल बीसीडी, फर्दर इफ एबी इज इक्वल टू बीसी फाइंड एंगल ईसीडी। ठीक है मिल गया, चलो अब 30 हो गया, अब सी डी अगर मैं कॉर्ड लेके चलती हूँ तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 70। अब ये 70 प्लस 30 100 है, तो इसके ऑपोजिट कितना होगा 80। वाई? बिकॉज एंगल्स इन अ साइक्लिक, ऑपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, तो ये 100 आया तो ये कितना आ गया 80, यानी कि एंगल बी सी डी आ गया हमारा 80। ये पार्ट क्लियर, दोबारा देख लो, ये एंगल जो है हमें 30 गिवन था, ये वाला एंगल सी डी जो है कॉर्ड अगर मैं लेके चलती हूँ ये मुझे 70 गिवन था, तो सेम कॉर्ड से सेम सेगमेंट में एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये वाला एंगल 70 आ गया। अब 70 प्लस 30 100, ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैं, तो इनका सम 180 होना चाहिए, ये 100 है तो ये कितना आएगा 80। क्लियर? अब सेकेंड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी और बी सी अगर इक्वल हैं देन फाइंड दिस एंगल 50। ए बी और बी सी इक्वल मीन्स ये वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल में, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये पूरा आपका 80 आया था, एक पार्ट उसका 30 आ गया, तो सेकेंड पार्ट विल बी 80 माइनस 30, यानी कि ये वाला एंगल आ जाएगा आपका 50। और इसी में अगर आपसे फर्दर ये वाला एंगल पूछा हो देन एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के यू विल गेट दैट एज 100। कहाँ 30 इक्वल टू 30 हुआ, ए सी बी 30 है, हाँ ये 30 कैसे निकाला, ये कह रहे हो इसमें हमने क्या किया है, ये ये साइड आपकी ये वाला एंगल हमारा 30 है, ए बी सी ट्राइंगल ली थी जिसमें ए बी और बी सी हमें इक्वल गिवन थे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये एंगल 30 तो ये भी 30। नहीं जी, चलिए केस स्टडी है बेस्ड ये क्वेश्चन आपका, मोहित हैज अ सर्कुलर गार्डन एज शोन इन द फिगर, ही हैज प्लांटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज